नमस्कार आज हम लोग बात करेंगे ग्लाइकोलिसिस के बारे में और इसके मेडिकल एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे हम समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से ये एक वाइटल रोल हमारे एनर्जी के प्रोडक्शन में रखता है इसके लेवल पर हम कई सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कौन कौन से वाइटामिन इस पूरी प्रोसेस में हमारा मदद करेंगे ओवरऑल देखा जाए तो इसमें एनर्जी की प्रोडक्शन की इस पूरी प्रक्रिया में कई सारे वाइटामस का रोल होता है और आपने देखा होगा जो गाँव में या फिर ऐसे जगहों पर जहां पर डॉक्टर्स या जो भी उस लेवल के आप समझ सकते हैं एरियाज में जहाँ डॉक्टर्स की फैसिलिटीज नहीं होती उनके पास दो ब्रह्मास्त्र होते हैं एक मल्टीवाइटामिन का दूसरा एंटीबायोटिक्स का और इसने बहुत बड़ा रोल अदा किया हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन को मेंटेन रखने में क्योंकि आपको कुछ भी नहीं पता हो फिर भी ब्लाइंडली लोग इस्तेमाल कर देते हैं एंटीबायोटिक्स और अधिकतर मामलों में पेशेंट ठीक हो जाते हैं इसी तरीके से किसी को कमजोरी होती है तो सीधे तौर तो पर लोग कहते हैं मल्टीवाइटामिन ले लो लेकिन मल्टीवाइटामिन करते क्या है? वो किस तरीके से कमजोरी को दूर करते हैं किस तरीके से वो एनर्जी के प्रोडक्शन में मदद करते हैं उन सारी चीजों को समझने के लिए हमें क्लाइकोलिसिस को बेहतर तरीके से समझना होगा हम देखेंगे कौन कौन से वाइटामिन इसके किस स्टेप को कंट्रोल करते हैं और उनकी डिफिशियंसी से किस स्टेप पर फर्क पड़ेगा हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम होंगे और यह भी देखेंगे जो हमारे फूड के मेजर सोर्सेज हैं चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो लिपिड हो या फिर प्रोटीन्स हो वो पैरविक एसिड से होकर के गुजरने वाले साइकिल तक किस तरीके से एक दूसरे में इधर उधर मिलते जुलते रहते हैं मेरे इस बात के कहने का मतलब क्या है मेरे इस बात के कहने का मतलब है जो फूड के हमारे मेजर रिसोर्सेज हैं चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो चाहे वो लिपिड हो चाहे वो प्रोटीन्स हो वो आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे में मिलते जुलते रहते हैं यही सारी घटनाओं को एक दूसरे से जोड़ने के लिए एसिड और साइकिल का कनेक्शन हमारा मदद करेगा इसलिए कहा जाता है साइकिल एम्फीबोलिक पाथवे है ये कुछ एनर्जी भी प्रोडक्शन कराती है और कुछ मामलों में सिंथेटिक फंक्शन भी रखता है इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है और यहां पर सबसे बड़ी बात यही मल्टीवाइटम का जो रोल हम देखते हैं और ब्लाइंडली लोग यूज करते हैं और उसके कारण पेशेंट ठीक भी होते हैं लेकिन एज ए डॉक्टर हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे इसका रोल क्या होता है और ये जो बॉडी का एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन की जो प्रक्रिया है वो एक ऐसा लगता है कि सर्किल पर चल रही कारों की तरीके से जैसे कोई कार इधर से आ रही है वो कहीं और जा सकती है यहाँ की कार कहीं और चली जाए ये कार कहीं और चली जाए ये कार कहीं और जा रही है सभी एक दूसरे में में जहाँ चाहें वहाँ जा सकते हैं कुछ इसी तरीके से हमारे जो फूड के न्यूट्रिएंट्स के जो पार्टिकल्स हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट चाहे तो वो किस तरीके से फैट में बदल सकता है या फिर अगर देखा जाए तो फैट को किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट के सोर्स में बदला जा सकता है अमीनो एसिड्स को किस तरीके से ग्लूकोज तक बदला जा सकता है ये जो ट्रैफिक का जो रास्ता है ये कहीं ना कहीं पैरविक एसिड और क्रेप साइकिल के उस कॉम्बिनेशन से आगे बढ़ता है इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे और ग्लाइकोलिसिस के शुरुआती प्रोसेस से इस पूरे डिस्कशन को समझने की कोशिश करेंगे इसमें हम जानते हैं ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस के बाद पार्विक एसिड में बदलता है और यह पहला स्टेज है सारे रूट्स का चाहे आप जो भी देख लें यहाँ पर पैरविक एसिड बनेगा और पैरविक एसिड बनने के बाद इसका भविष्य क्या होता है अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये रेस्पिरेशन में हिस्सा लेगा और ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा हमारी बॉडी में लोअर एनिमल्स में ये अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकता है ग्लाइकोलिसिस का बड़ा इंपॉर्टेंस ये है कि इसमें ए की एनर्जी का फॉर्मेशन होता है इसके साथ ही साथ एन एच प्लस का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर ए के बारे में समझना जरूरी है जैसे हमारे पास दुनिया में कोई भी लेन देन करना हो तो हम करेंसी के फॉर्म में करते हैं हम करेंसी जो अपनी दुनिया में देखते हैं ऐसे सेलुलर लेवल पर किसी भी एनर्जी के लेन देन के लिए एटीपी की एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है एटीपी एक पैकेट है एनर्जी का करेंसी है जो लिया और दिया जाता है अगर एटीपी के फॉर्म में एनर्जी के पैकेट्स ना बनाए जाए तो फिर क्या होगा बॉडी गर्म होना शुरू हो जाएगी जैसा हम अनकपलर्स के लेवल पर देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लेवल पर हम स्टडी करेंगे अनकपलर्स की जहाँ पर एटीपी का अगर फॉर्मेशन नहीं होता है तो बॉडी गर्म होना शुरू हो जाती है इस तरीके की चीजों के बारे में हम आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में स्टडी करेंगे यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं इसमें मेजर हमारा टारगेट होगा एनर्जी के पैकेट कैसे फॉर्म हो रहे हैं और उसका रोल क्या है किस तरीके से वो बनता है किस समय किस लेवल पर बनेगा कब यही ग्लाइकोलिसिस सिंथेटिक प्रोसेस में इन्वॉल्व होगा कब यही ग्लाइकोलिसिस एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए इन्वॉल्व होगा कब यही ग्लाइकोलिसिस एनर्जी प्रॉपर नहीं बना पाएगा ऑब्जेक्टिव लेवल पर इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे और ये पहला स्टेज जो आगे चल करके पायरविक एसिड बनाता है कुछ और प्रोडक्ट्स बनते हैं हम जानते हैं इसके बारे में पढ़ते आए हैं यह साइटोप्लाज में होने वाली घटना है और अगर प्रॉपर एरोबिक रेस्पिरेशन ना हो पाए तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है ये सारी चीजें हमारी जानकारी में है अगर में इसकी एंट्री होती किसकी पायरविक एसिड की एंट्री अंदर हो जाए तो यहाँ पायरविक एसिड इसके बाद स्टाइल को एंजाइम ए में बदलता है और ऑक्जेलो एसिड से मिलकर के सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है इस पूरी प्रोसेस में एनएडीएच से माइटोकॉन्ड्रिया में आ जाता है इस पूरी प्रोसेस में एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान पहले स्टेप्स में टू एनएडीएच एच प्लस का फॉर्मेशन होगा और जब क्रेप साइकिल घूमेगा तो उस समय सिक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा और टू एफ एडी एच टू का फॉर्मेशन होगा इतना घबराने की जरूरत नहीं है अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि कुछ डायरेक्ट ए टीपी का फॉर्मेशन होगा क्रेप साइकिल के दौरान और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ले जाकर के इसकी मदद से फर्दर हम ए टीपी का फॉर्मेशन करते हैं और वाटर रिलीज होता है जैसा हम रेस्पिरेशन के स्टेप्स को जानते हैं उसमें क्या होता है ग्लूकोज की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं इस प्रोसेस में ऑक्सीजन का रोल होता है ऐसा हम सुनते आए सुनते आए ना अगर इस पूरी स्टेप्स को एक बार ड्रॉ करके देख लें तो काफी आसान हो जाएगा हमने क्या कहा ग्लूकोज से एसिड बनेगा इस दौरान ये पायरिक एसिड अभी साइटोप्लाज्म में होता है और इसमें 2 एटीपी का फॉर्मेशन तो डायरेक्ट हो जाता है इसके साथ ही साथ 2 एन -एच, एच प्लस का भी फॉर्मेशन हो जाता है ये घटना अभी कहाँ हो रही है साइटोप्लाज्म के भीतर चल रहा है साइटोप्लाज्म में ये स्टेप्स चल रहे होते हैं इसके बाद पायर्विक एसिड एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर एसिड, एसिटाइल में बदलता है। आगे बढ़ते हुए एनर्जी का प्रोडक्शन करेगा फर्दर इसका रोल होता है क्रेप साइकिल में कैसे ये मिलता है पहला सबस्ट्रेट जो ग्लाइकोलिस का हो सकता है ऑक्सैलिक एस्टिक एसिड ओ ए मिलता है और पहला जो प्रोडक्ट मिलेगा वो

तो टू टाइम्स एक से एक साइकिल में क्रब साइकिल के एक चक्कर लगाने पर थ्री एन ए डी एच एच प्लस का फॉर्मेशन होता है इसके साथ ही साथ एक एफ ए डी एच टू का फॉर्मेशन होता है क्योंकि दो बार साइकिल रन करती है आपको पता है ना कि पूरी सारी कहानी आपको पता होगा मुझे पता है कि जब कभी भी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है तो उससे दो पैरोविक एसिड बनते हैं दोनों साइकिल में जाएंगे तो एक से जितना होगा उतना ही दूसरे से भी होगा इसीलिए हम यहां पर टू टाइम्स कह करके इसको बताना चाह रहे हैं ओवरऑल ज के रिस्पेक्ट में देखा जाए एक ग्लूकोज के रिस्पेक्ट में तो हम दोनों को एक साथ काउंट करते हुए के एक ग्लूकोज से बनते हैं इतना ही नहीं जब हमने पूरा का पूरा दो पायरविक एसिड के मॉलिक्यूल्स बने तो उस समय देखा टोटल इस टू मॉलिक टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरिक एसिड के फॉर्मेशन में भी साइटोप्लाज्म के भीतर टू टाइम्स एन ए डी एच का फार्मेशन होता है इस पूरी बात को बताने के पीछे मकसद क्या है हम ये समझ सकें कि साइटोप्लाज्म में कितना एन ए डी एच का फार्मेशन हुआ साइटोप्लाज्म से जब ये माइटोकॉन्ड्रिया के बाउंड्री के भीतर आता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ये प्रोसेस हो रही होती है तो कितने एनर्जी का प्रोडक्शन होता है उसके बारे में बात कर सके और टोटल एन ए डी एच की संख्या को काउंट कर सकें तो ओवरऑल आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एसिड से स्टाइल को ए बनने के दौरान ये दो एनएडीएच ऊपर से आ रहा है साइटोप्लाज्म से दो एनएडीएच और यहां पर सिक्स एनएडीएच आप समझ सकते हैं ना ये दो दो साइकिल से लिया गया है

2.5 ATP और FADH2 के ऑक्सीडेशन से 1.5 ATP और एक चीज और भी याद रखना है यहां पर क्या होता है NAD+ होता है और FAD होता है तो FAD के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। इसलिए जब ये हाइड्रोजन के साथ जोड़ करके लिखते हैं तो FADH2 लिखते हैं जबकि NAD+ होता है तो इसलिए उसमें जब हाइड्रोजन के साथ जोड़ करके लिखते हैं तो NAD+ होता है तो इसलिए NADH हो जाता है और दूसरा जो एच प्लस रहता है वो न्यूट्रलाइज नहीं हो पाता तो वहां पर एच प्लस के साथ लिख करके हमें रिप्रेजेंट करना होता है पूरी की पूरी बात हमने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया आगे देखें तो ग्लाइकोलिसिस कहां पर हो रहा था हमने देखा वो हर एक ऑर्गन वो हर एक सेल वो हर एक टिश्यू आप समझ सकते हैं हर ऑर्गन में टिश्यू टिशू में सेल वो हर एक सेल जहां पर साइटोप्लाज्म होता है और इसमें हुआ क्या ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल ने दो पैरबिक एसिड का फॉर्मेशन किया एनोरोबिक रेस्परेशन अगर रहा तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और एरोबिक अगर रहा तो क्रेपसाइकिल में जाने के लिए ये माइट्रोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाकर के स्टाइल को एंजाइमी का फॉर्मेशन करता है एरेथ्रोसाइट्स के भीतर केवल एनेरोबिक ग्लाइकोलिसिस की ही प्रोसेस पॉसिबल होती है एटीपी के प्रोडक्शन के लिए और अगर ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स में डिफेक्ट हो जाए जैसे आगे हम देखेंगे पायरुएट काइनेज में डिफेक्ट होने की वजह से हिमोलिसिस के होने की घटनाओं के बारे में तो ग्लाइकोलिसिस सिर्फ और सिर्फ एकमात्र सोर्स होती है एनर्जी का चूंकि एनरोबिक रेस्पिरेशन ही चल रहा होता है और

चेन है जो अभी हमने आपको डिस्कस कराया इसमें कई सारे लोग इस बहती हुई गंगा में आकर के मिलेंगे तो इसमें क्या होता है फैटी एसिड आकर के मिलता है आगे हम देखने वाले हैं अमीनो एसिड्स कैसे कहां पर आकर के मिलेगा आगे हम देखने वाले हैं फैटी एसिड्स कहां पर इसको आकर के पकड़ लेगा जैसे स्टाइल को एंजाइम ए के थ्रू यहां पर आकर के जुड़ जाएगा फैटी एसिड्स तो फिर वो साइकिल में घूम करके एनर्जी का प्रोडक्शन करा देता है तो एक्शन में क्या है जो कार्डिय मसल्स होते हैं वो फैटी एसिड्स का इस्तेमाल करके स्टाइल को एंजाइम ए वाले रूट से फिर साइकिल में घुस जाते हैं इसीलिए वो ग्लाइकोलिसिस वाले स्टेप को बाईपास कर जाते हैं और इस तरीके से एनर्जी की प्रोडक्शन के बारे में हम बात करते हैं कार्डिक मसल्स में और सीधे तौर पर यह क्वेश्चन पूछा जाता है लो ग्लाइकोलिटिक एक्टिविटी क्यों है क्योंकि यहाँ पर फैटी एसिड्स का इस्तेमाल किया जाता है इसमें स्टीमिया के दौरान कार्डियक मसल्स को ज्यादा दिक्कत होती है क्यों क्योंकि वो फैटी एसिड्स का इस्तेमाल करते हैं और फैट्स के मेटाबोलाइज करने में ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है इसीलिए कार्डियक मसल्स में स्ट्यूमिया का ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है स्केलेटल मसल्स में ग्लाइकोलिस की इनॉर्मस कैपेसिटी होती है वो स्ट्यूमिया को झेल ले जाते हैं कैसे इस चीज को समझने के लिए आपको देखना होगा यूरिया साइकिल को यूरिया साइकिल वाले लेक्चर को देखना होगा दूसरी बात यह होती है कि अगर इनमें ग्लाइकोलिस की प्रोसेस चल रही होती है अगर सबस्ट्रेट अच्छा खासा है तो ये अपने आप को लैक्टिक एसिड में बदलते रहते हैं बदलते रहते हैं बदलते रहते हैं आगे हम इस पर बात करेंगे लैक्टिक एसिड में बदल करके जो भी जरूरत पड़ती है कम से कम उतना पी ए बना ले जाते हैं इस वजह से स्केलेटल मसल स्टूमिया में सर्वाइव कर जाते हैं अगर ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स में डिफेक्ट हो जाए तो फिर क्या होगा फटीक होता है इन एंजाइम्स में डिफेक्ट होता है क्या बिल्कुल डिफेक्ट होता है और इसी वजह से फटीक होगा क्योंकि आगे एनर्जी प्रोडक्शन की प्रोसेस फाल्टी हो जाती है ऐसे ही हम ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज में बात करेंगे मैकर्डल डिजीज के बारे में डिसऑर्डर के बारे में तो वहां पर भी देखेंगे एक्सरसाइज इंटॉलरेंस की घटना होते हुए क्यों उन सारी चीजों पर आगे बात करेंगे तो कहने का मतलब यह कि जो स्टेप है जहां पर एनर्जी के प्रोडक्शन जुड़े हुए हैं अगर उनमें कोई डिफेक्ट होता है उन एंजाइम्स में तो उसका सीधा फर्क पड़ता है एनर्जी के प्रोडक्शन से और एक चीज यहां पर देख रहे हैं दूसरा हम मैकर्डल डिजीज में देखेंगे ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर में है। जहां पर एक्सरसाइज इनटॉलरेंस जैसी बात हम पढ़ने को पाएंगे तो हार्ट के लेवल पर हमने क्या कहा ये फेड स्टेट में फैटी एसिड्स का इस्तेमाल करता है फैट फास्टिंग स्टेट में भी फैटी एसिड्स का यूटिलाइजेशन करता है तो हार्ट चाहे अच्छे से ग्लूकोज रहे तो भी वो फैटी एसिड्स को ही रोल

में समझा जा सकेगा तो ग्लूकोज के इस स्ट्रक्चर को देखें, इसको लाइन से आप आप जोड़ दें, तो सिक्स कार्बन के साथ जुड़ा हुआ एक ग्लूकोज का मालिक्यूल होता है जिसमें पहला स्टेप स्टेपर्सिबल स्टेप होता है और ध्यान रहे जहां कहीं भी मेटाबॉलिज्म में हम इिवर्सिबल स्टेप को देखेंगे जनरली वो रेट लिमिटिंग स्टेप्स होते हैं अगर उनको आगे बढ़ा दिया जाए तो उनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है तो यहाँ पर जो इिवर्सिबल स्टेप्स हैं उन्हीं के लेवल पर आगे हम डिस्कस करेंगे कैसे इन इरिवर्सिबल स्टेप्स को कंट्रोल किया जा सकता है और अल्टीमेटली लाइकोलिसिस में हमारे पास तीन इ स्टेप्स होते हैं उनको कैसे हम मैनेज करेंगे क्या क्या देकर के मैनेज करेंगे किस तरीके से उसमें वाइटामिन का रोल होगा या नहीं होगा उन सारी चीजों पर बात करेंगे तो पहला जो स्टेप्स है इसमें दो एंजाइम्स का रोल देखते हैं एक होता है हेक्सोकाइनेज और दूसरा होता है ग्लूकोकाइनेज अब नाम सुनकर के ऐसा लगता है कि एक हेक्सोकाइनेज को आप माँ के जैसा समझ सकते हैं माँ के जैसा कैसे ये हमारी सेलुलर प्रोसेस को चलाने की जिम्मेदारी रखती है कैसे इस चीज को देखने के लिए हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज जो पहले स्टेप में एंजाइम्स का रोल हम देखेंगे उसको समझने के लिए हमें ग्लूकोज के स्टोरेज को देखना होगा फिर हम समझ पाएंगे क्या होता है और किस में क्या चल रहा होगा मान लीजिए किसी पर्सन ने खाना खा लिया भूखा था जब उसने खाना मीन्स आप समझ लें कि नॉर्मल खाना खाने के तीन चार घंटे के बाद की घटना है जब ग्लूकोज का स्टोरेज कम होने लगता है ये कम स्टोरेज है तो उस समय क्या है ग्लूकोज का स्टोरेज आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कम है यहाँ ग्लूकोज का स्टोरेज कम है और इस ग्लूकोज ही नहीं बल्कि जब ग्लूकोज का स्टोरेज कम होने लगता है तो आसपास दूसरे स्टोरेज का भी रोल हम देखना शुरू कर देते हैं मतलब ये कि हम ये भी देखने की कोशिश करने लगते हैं यार ग्लूकोज अब खत्म होने लगा है तो कम से कम कुछ और भी चीजें देख लेते हैं जिसको हम एनर्जी के सोर्स के तौर पर दूसरे हेक्सोज सुगर के बारे में भी सोचने की कोशिश की जाती है आप इसको लॉजिकल वे में समझेंगे तो देख पाएंगे ये चाहे ग्लूकोज हो चाहे हेक्सोज हो ये आगे जाकर के ग्लाइकोलिसिस कि प्रोसेस में जाकर के जो बेसिक हमारी एनर्जी की प्रोडक्शन की आवश्यकता होती है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और इस समय जिस एंजाइम का रोल होता है वो होता है हेक्सोकाइनेज ये बेसिक रूल है इसीलिए यहां पर आप देख सकते हैं किसी भी तरीके के हेक्सोज शुगर को भी लेकर के ये हेक्सोकाइनेज ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को चला सकता है ना सिर्फ ग्लूकोज बल्कि किसी को भी लेकिन आप कल्पना करें पर्सन ने खाना खा लिया बहुत अच्छे से उनका पेट भरा हुआ है ग्लूकोज का स्टोरेज काफी हाई है ग्लूकोज का स्टोरेज बहुत हाई है इसका मतलब क्या हुआ अभी ये खाना खाए हुए पोस्ट प्रांडियल फेज में आप देखें जब ग्लूकोज बहुत ज्यादा उसका स्टोर हो जाता है तो फिर बॉडी क्या चाहती है उसको चाहती है ग्लाइकोजन के तौर पर स्टोर कर लिया जाए या फिर जहां भी हो सके इसका इस्तेमाल हम एनर्जी के स्टोरेज के फॉर्म में कर लें इस प्रयास में यहां पर इस बढ़े हुए ग्लूकोज को मैनेज करने के लिए ग्लूकोकाइनेज़ का रोल होता है इसका मतलब ये हुआ कि ये एनर्जी के प्रोडक्शन से जरूरी है और ये एक्स्ट्रा अमाउंट से जरूरी है तो ये बेसिक काम इसका है एनर्जी का प्रोडक्शन और एनर्जी की जरूरत हर एक सेल को पड़ती है इसीलिए ये हर टिश्यू में फंक्शनल होता है ऑल टिश्यूज में ये फंक्शनल होता है जबकि हम देखेंगे ग्लूकोकाइनेज का रोल ये लीवर और पैंक्रियाज के भीतर तौर पर देखने को मिलता है क्यों? इसका मकसद है ग्लाइकोजन के सिंथेसिस आमतौर पर जो हमारे बेसल एनर्जी रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है, उसके लिए हेक्सोकाइनेज काम करता है और ग्लाइकोजन के सिंथेसिस के लिए ग्लूकोकाइनेज काम करता है ये सारे स्टेटमेंट बेहद जरूरी है लॉजिकल है समझ में आना चाहिए यहीं पर देखें तो इंसुलिन किस एंजाइम को कंट्रोल कर सकता है इंसुलिन ग्लूकोकाइनेज को कंट्रोल कर सकता है आप क्यों इस बारे में खुद ही जवाब दे सकते हैं क्योंकि यहां पर हमारे पास एक्स्ट्रा स्टोरेज है जिसको ग्लाइकोजन में बदलना है इसलिए इसका रोल होगा दूसरी बात ग्लूकोकाइनेज उस समय काम में लिया जाएगा जब ग्लूकोज का सोर्स ज्यादा होगा तब इसका रोल होता है इसका मतलब ये होता है यहां पर रट लें कमाई जब ज्यादा होगी एम हाई होता है इस मामले में ग्लूकोकाइनिस की एक इंपॉर्टेंट जो इस पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है इसका के एम कैसा होता, होता है जबकि मतलब क्या सबस्ट्रेट के साथ affinity, तो ये ग्लूकोज को जनरली नहीं पकड़ता है इसकी एफेनिटी कम होती है के एम माइकेलेस कॉन्स्टेंट की बात हम एंजाइम्स में पढ़ते हैं केएम की वैल्यू हाई होने का मतलब ये होता है सबस्ट्रेट को पकड़ना नहीं चाहता है ये कहता है जब तुम लोग बहुत ज्यादा रहोगे तभी हम तुम्हें पकड़ करके ग्लाइकोजन में बदलेंगे जबकि हेक्सोकाइनिस जो माज जैसा है जो हमारे सेल के लिए ज़रूरी होता है ये एक एक मॉलिक्यूल की वैल्यू करता है इसकी एफेनिटी सबस्ट्रेट के लिए ग्लूकोज के लिए ग्लूकोज ही नहीं जब ग्लूकोज कम होने लगता है तो हेक्सोज को भी वो पकड़ सकता है और उसको पकड़ करके वो एनर्जी के प्रोडक्शन में इस्तेमाल कर सकता है तो किसी भी हेक्सोज शुगर को लेना हो या ग्लूकोज को लेना हो तो ये जो हैक्सोकाइनीज होता है उसको पकड़ता है और प्रोडक्ट्स में फार्म करने में मदद करता है इस बारे में देखें तो इसकी एफेनिटी की एफिनिटी स्ट्रांग होती इसलिए सबस्ट्रेट के साथ वो ज्यादा जुड़ने का प्रयास करता है तो के एम इसका कम होता है किसका हेक्सोकाइनेज का इसका के एम क्या होगा कम होता है के की वैल्यू कम होती है पूरी की पूरी डिस्कशन हमें समझ में आ गया है और इस वजह से ग्लूकोज अब ग्लूकोज सिक्स फास्फेट में बदलेगा जिसके लिए आप समझ सकते हैं हेक्सोकाइनेज इन जनरल काम करता है और ग्लूकोकाइनेज जब ग्लूकोज का स्टोरेज ज्यादा होता है तब काम करता है ये स्टेप इरिवर्सिबल स्टेप है मतलब ये, कि ये बैक नहीं जा सकता है फिर बैक अगर ले जाना हो तो क्या करना होगा हमें दूसरे एंजाइम्स की मदद लेनी पड़ेगी ये हम ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस में देखेंगे मतलब ये ग्लाइकोलिसिस में अधिकतर मामलों में जो एंजाइम्स होते हैं वो आगे पीछे आगे पीछे चल सकते हैं मतलब बाई डायरेक्शनल होते हैं लेकिन तीन स्टेप में ऐसा होगा थ्री स्टेप्स में ऐसा होगा जहां पर इर पहला स्टेप ये है जहां पर इर है बैक जाना है तो ये एंजाइम वापस नहीं ले जाएगा आपको नया एंजाइम ले जाना पड़ेगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे ए तो टीपी की एनर्जी बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर लेता है अभी इसके पास ग्रुप है।, है मतलब ये, ये आपस में बदल सकते हैं फास्टफूड ग्लूकोज आइसोमेज अब फ्रक्टो फास्फेट में इसको बदल देता है यहां पर देखें टर्मिनल पर फास्फेट आ गया है अगर आपने केमिस्ट्री की अच्छी समझ रखी है तो बायोकेमिस्ट्री समझना आसान हो जाता है एल्डीहा ग्रुप टर्मिनल पे होते हैं और अब एल्डिहाइडिक ग्रुप में सीओ ग्रुप जो होता है ना वो बड़ा मायने रखता है जिसको ग्रुप कहते हैं सीओ ग्रुप जो होता है उसको खींच करके बीच में लाया जाता है क्यों क्योंकि वहां पर बीच में रहने के बाद उसको तोड़ने की कोशिश की जाएगी मेरी बात समझ रहे हैं सीओ ग्रुप पहले कहां था टर्मिनल पे था इस तरीके से सीएचओ के तौर पर और वहीं पर एक फास्फेट ग्रुप भी लगा हुआ था इस तरीके से समझे एक फॉस्फेट है और सीएचओ है टर्मिनल पे लगे हुए फिर क्या करते हैं हम इस सीओ ग्रुप को खींच करके बीच में लेते आते हैं क्यों क्योंकि बाद में इसको तोड़ना है सिक्स मॉलिक्यूल को थ्री थ्री मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करना है ये फ्रक्टोज फ्रक्टो फास्फेट के लेवल पर आप देख पा रहे हैं इसके बाद यहां पर देखें ये कीटो ग्रुप बीच में घुस गया होगा और उसके बाद अगला इरिवर्सिबल स्टेप होता है ये होता है ये दूसरा इरिवर्सिबल स्टेप है इसमें एक बार फिर से एटीपी की एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा और पहले और अंतिम स्टेप में फास्फेट ग्रुप को ऐड कर दिया जाता है यहां पर जो पहले स्टेप में बना हुआ फ्रक्टोज सिक्स फास्फेट था अभी ये कमिटेड नहीं था क्यों नहीं था क्योंकि ग्लूकोज सिक्स फास्फेट के लेवल पर हम देखते हैं बहुत सारे काम हम करा सकते मतलब ये उसका अभी कमिटमेंट इस काम के लिए नहीं है मतलब क्या उसका ग्लाइकोलिसिस के लिए अभी कमिटमेंट नहीं हुआ है वो चाहे तो वो ग्लाइकोजन बना सकता है वो चाहे तो ग्लाइकोजन से आ सकता है वो चाहे तो ग्लाइकोलिसिस में जा सकता है वो चाहे तो ग्लाइकोलिसिस के रिवर्सल में यहां तक पहुंच सकता है यानी अभी इसका कमिटमेंट नहीं हुआ है इसके बाद होता क्या है कि जैसे होता है ना कि कोई मॉलिक्यूल अभी सोच नहीं पा रहा करें क्या ग्लाइकोजन में चले जाएं इधर चले जाएं उधर चले जाएं तो फिर बॉडी कहती है एक बार और सोच लो थोड़ा और आगे जाके देख लो तो आगे जाता है फ्रक्टोज सॉरी ग्लूकोज सिक्स फास्फेट फ्रक्टोज सिक्स फास्फेट में बदलता है फिर बॉडी कहता है कि अभी भी सोच लो तुम वापस जा सकते हो देखें आप यहां पर ये कमिटेड स्टेप नहीं है ये चाहे तो आगे जाए फिर पीछे भी जा सकता है लेकिन इसके बाद जब ये फास्टो में की मदद से जब इस स्टेप में पहुंच जाएगा ए की एनर्जी के बाद तो फिर अब कह दिया जाएगा अब तुम वापस नहीं जा सकते हो मतलब ये ना अभी तक फ्लर्टिंग कर सकता था ग्लूकोज सिक्स फास्फेट तक फ्रक्टोज सिक्स फास्टफेड तक लेकिन अगर एक बार इस स्टेप को क्रॉस कर लिया तो फिर शादी होनी ही है इसको आगे जाकर के एनर्जी प्रोडक्शन कराना ही है मिस ग्लाइकोलिस में इस्तेमाल होना ही है तो आप देख सकते हैं यहां पर एल्डिहाइड था कीटो ग्रुप जोड़ा गया और उसके बाद आइसोमराइजेशन का ये इंपॉर्टेंस था अभी भी रिवर्सिबल था लेकिन अगला स्टेप जो था पी एफ के इसको कहा जाता है और एक चीज ध्यान रखिएगा जहां भी का इस्तेमाल होता है वहां पर कहीं ना कहीं एटीपी की एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है या तो वो प्रोड्यूस होगा या तो लगाया जाएगा जैसे यहां पर देखें हेक्सोकाइनेजेज या ग्लूकोकाइनेज में एटीपी एनर्जी लगाई गई है पी के मामलों में भी एटीपी की एनर्जी लगाई गई है यह स्टेप बहुत बड़ा कमिटमेंट का स्टेप होता है इसलिए इसको कई सारे लोग कंट्रोल करते हैं कौन कौन कंट्रोल करेंगे आगे हम बात करेंगे और आप देखें फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर जिसमें अब दोनों सिरों पर फास्फेट ग्रुप जुड़ चुका है इसके बाद ये टूटता है थ्री कार्बन के मॉलिक्यूल्स में और ये एच और फास्फेट का फॉर्मेशन कर सकता है एक्चुअल में यहां आगे की ओर चलने में ग्लिसरल डिहाइड थ्री फास्फेट का ही रोल होता है लेकिन यह डीएचए क्यों लिखते हैं और डीएचए ये दोनों आपस में मिलकर सह सकते हैं ये एक दो ये एक दो दिन की घटना नहीं है ये इवोल्यूशन की प्रोसेस में बॉडी ने इतना बेहतर तरीके से अपने आप को मैनेज करने की कोशिश किया अभी हम देखेंगे एक्चुअल में ग्लाइकोलिस जो चल रहा होता है ग्लिसरल डिहाइड थ्री फास्टफेट के रूट से आगे बढ़ते हुए चला लेकिन डीएचए जो बनता है उसका भी एक रोल होता है क्या रोल होता है यहीं पर देखेंगे लेकिन अभी आप समझें ग्लिस्टरल डिहाइड थ्री फास्टफेट का रोल और अब ये ग्लिसरल डिहाइड से एसिड में बदलने की स्थिति में आ चुका है एक्चुअल में क्या होता है अगर आप रेस्पिरेशन के इक्वेशन को देखें हो तो होता क्या है ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही तो बनाना होता है यही तो होता है ना ग्लूकोज ऑक्सीजन मिलाया आफ्टर द रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन गया लेकिन यहां पर ये रिएक्शन अगर नॉर्मल अगर हमने माचिस की तिली में आग लगा करके शुगर को बर्न कर दिया तो क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तुरंत बन जाएंगे लेकिन अगर हमें उसको स्टेप बाय स्टेप कराएं तो बीच में हम एनर्जी जो निकलेगी उसको पैकेट के फॉर्म में रख सकते हैं स्लो लो स्लो इसलिए इस प्रोसेस को कराते हैं और इसमें आ, एनर्जी के पैकेट्स तैयार होते हैं जैसे ए टी पी के फॉर्म में या फिर एन ए डी एच एच प्लस के फॉर्म में या फिर आगे एफ ए डी एच टू के फॉर्म में यहाँ पर जो पैकेट्स तैयार होते हैं ये कहीं ना कहीं सेलुलर रेस्पिरेशन में जा करके हमारी काफ़ी मदद करेंगे एनर्जी के प्रोडक्शन को बेहतर तरीके से सेलुलर एक्टिविटीज़ को चलाने में इस्तेमाल हो सकते हैं इसलिए इसका रोल होता है तो मैं जो कह रहा हूँ उसका कहने का मतलब ये है कि अगर आपने केमिस्ट्री के प्रोसेस को याद किया होगा तो आपको पता है ऑक्सीडेशन के सीरीज़

ग्लिसरेट कह रहे हैं मतलब ये कि ये एसिडिक फॉर्म में ग्लिसरिक एसिड इस तरीके से कुछ आप समझ सकते हैं ये आयनिक फॉर्म में है ग्लिसरेट फॉर्म बन गया है और इस काम में डीहाइड्रोजिनेस का रोल देखा गया है किसका डिहाइड्रोजिनेस का रोल देखा गया है जहां कहीं भी हाइड्रोजन हटता है डिहाइड्रोजिनेशन की प्रोसेस होती है उस काम में होता क्या है हाइड्रोजन हटा वो एसडिक फॉर्म में बदला यानी ग्लिसहाइड अब एसिडिक फॉर्म में बदल जाएगा और इसी तरीके से ये एसडिक फॉर्म अब चलता रहेगा और अल्टीमेटली इस एसडिक फॉर्म को फर्दर जैसे मैंने आपसे कहा ना एल्डिहाइड कीटोन है फिर एसिड में बदल चुका है ये आने वाले समय में जब जब ये क्रप साइकिल में चला जाएगा तो यही जो एसडिक ग्रुप है ये कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा किसमें कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज होने की प्रोसेस धीरे 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 करके बनाई जाती है अचानक से नहीं होता है सेल में इस तरीके से जब ये घटना हो रही होती है तो ग्लिसरल डिहाइड पर एक ही फास्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ था और एनर्जी के इन्वेस्टमेंट के लिए सेल अब तैयार नहीं होता है तो अब यहाँ पर फास्फेट ग्रुप एक और जोड़ना है लेकिन वो इनऑर्गेनिक फास्फेट को जोड़ा जाता है आप समझ सकते हैं ना जैसे आप बार बार घर वालों से पैसा मांगें कि मुझे पढ़ाई करनी है पढ़ाई करनी है बाद में मैं बहुत पैसा कमाऊंगा वैसे यहाँ पर होता है कि शुरुआती दौर में एनर्जी का इन्वेस्टमेंट होता है दो ए हम लगा चुके हैं फिर और ए की मांग की जाएगी तो मानेगा नहीं सेल तो इसलिए वहां पर इनऑर्गेनिक फास्टफेट ग्रुप जोड़ा गया क्योंकि पैसा था नहीं अब ए की एनर्जी ना देकर के एस से इनऑर्गेनिक फास्ट को जोड़ा जाता है अब क्या हुआ यहाँ पर यहां पर दोनों ही सिरों पर फास्टफेड ग्रुप जुड़ चुका होता है जिसको वन थ्री बाई फास्ट ग्लिसरेट कहते हैं यहाँ पर ग्लिसरल डिहाइड थ्री फास्टफेड बहुत इंपॉर्टेंट है क्यों क्योंकि इसको इनहिबिट किया जा सकता है अगर इसको इनहिबिट किया जा सकता है तो फिर क्या होगा तेजी से रिकॉल करें तो फास्फेट सिक्सोज सिक्स फिर फ्रक्टोज सिक्स दोनों स्टेप पर हम लोगों ने एनर्जी का इस्तेमाल करके फिर फ्रक्टोज वन सिक्स बाई फास्टफेट बना लिया या बिस् फास्टफेट बना लिया फिर उसके बाद एल्डोलेस की मदद से ये मॉलिक्यूल दो में टूट गया इस चीज को ऐसे समझें अभी हमने दिखाया था यहाँ पर डिहाइड्रोजेनेज का रोल रहा और इस रोल में इसको ग्लिस्टरल डिहाइड ही आप समझेंगे और उसके बाद यहाँ पर एक और इनऑर्गेनिक फास्टफेट जोड़ करके दो पोजिशन में फर्स्ट एंड लास्ट पोजिशन पर फास्टफेट ग्रुप जोड़ दिया गया ये ग्लिस्टर डिहाइड ग्लिस्टरेट में बदल गया और इस दौरान बड़ा ही अच्छा बात यह हुआ है कि टूटने के साथ ही एन के फार्म में हमें हाई एनर्जी पैकेट्स मिल गए हैं जो आगे चल करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 2.5 पॉइंट बनाने में मदद कर सकेंगे इस बारे में हम देखेंगे बाकी इसी स्टेप इस को आपको याद रखना है जिसको इनहिबिट करने के लिए आर्सिनेट और आइडोस्टेट इस स्टेप को इनहिबिट कर सकते हैं नेक्स्ट लेवल पर वन थ्री बाई फास्ट बना अब की बार यहां पर एनर्जी के प्रोडक्शन के स्टेप्स आप देख पाएंगे यहां पर आप खुद से बना करके देखें तो ये जो एक फास्टफेट ग्रुप रहा एक जो फास्टफेट ग्रुप था वो अब ए की एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा और इस दौरान फास्टोग्लेसरेट काइनेज के एंजाइम्स का रोल हम देखते हैं इसका एंजाइम का रोल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जनरली जहां कहीं भी काइनेज एंजाइम का रोल होता है वो स्टेप्स इरिवर्सिबल होते हैं आप ऊपर दो देख चुके हैं दो जगहों पर एटीपी का जब रोल हमने इन्वेस्टमेंट देखा था तो उस समय काइनेज एंजाइम जो इस्तेमाल किए गए थे वो इिवर्सिबल स्टेप्स थे लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं साइन पर फोकस करें तो ये रिवर्सिबल साइन है इसका मतलब ये हुआ ये जो फास्वेट काइनेज वाला एंजाइम है यह एटीपी का प्रोडक्शन तो कराएगा आप देखें यहां पर चूंकि फास्वेड ग्रुप लगा निकाल दिया गया काइनेज जब भी होता है तो एटीपी या या तो या तो यूटिलाइज होती होती निकल निकल रही रही यहां पर आप देखें निकल रही है और दूसरा पॉइंट ये भी आप देखेंगे जनरली काइनेज जहां पर भी होता, वो होता है वो इरिवर्सिबल स्टेप्स होते हैं लेकिन ये एक एक्सेप्शन जैसा है जो नीट में पूछा गया क्वेश्चन रहा काइनेज ये क्या होता है रिवर्सिबल साइन के साथ आपको देखने को मिलेगा अगले स्टेप में फिर क्या होता है म्यूटेज म्यूटेज एंजाइम की मदद से यहाँ देखिए फास्फोग्लिसरेट फास्फोग्लिसरोम्यूटेज ये म्यूटेज एंजाइम थर्ड पोजीशन से फास्फेट को उठा करके सेकंड पोजीशन पर ला देता है उसके बाद ये एक बार और अपने फॉर्म को चेंज करता है फास्फोइनॉल पायरवेट में बदलता है इस स्टेप में एंजाइम का रोल देखते हैं जो फ्लोराइड आयन के द्वारा इनहिबिट किया जा सकता है फ्लोराइड आयन इस स्टेप को इनहिबिट करता है और इसकी आवश्यकता इसलिए होती है ताकि आरबीसी के भीतर ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस न चल सके ग्लूकोज के स्टिमेशन में इस प्रोसेस को ब्लॉक करना बेहद जरूरी होता है आगे हम डिस्कस करेंगे और फासोइनोल पायरवेट बनने के बाद पायुर्वेट काइनीज ये एक अंतिम सेबल स्टेप ग्लाइकोलिसिस का हमने तीन स्टेप के बारे में बात किया था इरिवर्सिबल स्टेप और इसका इंपॉर्टेंस यह है कि अगर कभी भी हमें ग्लूकोज वापस चाहिए पायरवेट से पायरवेट से उल्टा जाना है

या रिवर्सिबिलिटी का एंजाइम है रिवर्सिबल एंजाइम रिवर्सिबल स्टेप में इन्वॉल्व होने वाले इसका रोल देखा गया है तो फास्फोग्लिसरेट काइनेज मैंने इसलिए उस इस पर फोकस किया था बाकी ये जो हेक्सो काइनेज हो चाहे पीएफके इसको हम कहते हैं रट लें पीएफके पीएफके वन करके इसका नाम बहुत ज्यादा रोल होता है पीएफके 1 को कहा जाता है ये रेट लिमिटिंग एंजाइम है रेट लिमिटिंग एंजाइम सबसे इंपॉर्टेंट होता पी एफ के वन चुकी यही अगर थोड़ा तेज कर दिया जाए तो ग्लाइकोलिस तेज हो सकती है थोड़ा स्लो हो जाए तो ग्लाइकोलिस स्लो हो सकती है बड़ा ही इसका इंपॉर्टेंस है तो इसको ध्यान में रखना है फिर काइनेज के रोल को भी ध्यान में रखना है रिवर्सिबल रिवर्सबल अभी हमने ग्लाइकोलिस में देखा तो वो फास्फोग्लिसरेट काइनेज था साइकिल में भी हम देखेंगे थायोकाइनेज का रोल वो भी रिवर्सिबल होता है जनरलीस इन रिवर्सिबल होते हैं लेकिन दो एक में फास्फोग्लिसरेट काइनेज और साइकिल के भीतर सक्सिनेट थायोकाइनेज ये दो रिवर्सिबल हैं अब एक अप्लाइड क्वेश्चन देखते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ब्लड कलेक्शन वायल फॉर ग्लूकोज स्टेशन अगर हम देखें तो ग्लूकोज के स्टूबेशन के लिए जो वायल जो उसके टैप पर कलर होता है वो ग्रे कलर का होता है इसमें सोडियम फ्लोराइड और पोटेशियम ऑक्सीट का इस्तेमाल किया जाता है पोटेशियम एंटी एंटीकोलेट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और फ्लोराइड का रोल होता है वो ग्लाइकोलिटिक एंजाइम इनोरे को इनहिबिट कर दे इसके द्वारा कंजम्पशन ऑफ ग्लूकोज सेलुलर कंपोनेंट ऑफ ब्लड के द्वारा कम हो जाएगा वरना गलत एस्टिमेशन हो सकता है तो इसलिए हम ग्रे कलर का जो वायल होता है उसमें देखते हैं और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है काफी अप्लाइड क्वेश्चन है कौन कौन चीजें मिलाई जाती हैं

एस्टिमेशन के मामलों में रेड कलर के लिए और पोटेशियम ऑक्जिलेट थ्री इस रेशियो में रखे गए होते हैं मकसद क्या होता है सोडियम फ्लोराइड को इस्तेमाल करने का ये एंजाइम को इनहिबिट करता है बाकी इसमें पोटेशियम ऑक्सलेट भी इस्तेमाल किए जाते हैं ये पीजीआई में पूछा गया क्वेश्चन रहा है इसमें क्लॉट एक्टिवेटर जैसी कोई चीज नहीं होती है का क्या रोल होगा उस वायल का कलर क्या होगा सिट्रेट कंटेनिंग वायल का कलर क्या होगा इसको हमें समझ लेना चाहिए पहला स्टेप जिसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया उसमें दो एंजाइम्स का रोल दिखा तेजी से रिकॉल करते हैं सारी चीजें अचानक से समझ नहीं आएगी तो एक एक चीज करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा देखें ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज या ग्लूकोकाइनेज का इस्तेमाल करता है इसमें एटीपी की एनर्जी का इस्तेमाल हुआ ग्लूकोज सिक्स फास्फेट बना और यह इिवर्सिबल स्टेप है एक ए का इस्तेमाल हुआ है ओवरऑल हम देखते हैं ग्लाइकोलिस की प्रोसेस में फोर ए का फॉर्मेशन होता है कितने ए का फोर ए का फॉर्मेशन होता है लेकिन शुरुआती स्टेप्स में दो एटीपी यूटिलाइज हो जाते हैं इसलिए नेट गेन टू ए का होता है टोटल पे ऑफ मोड में जाने पर जब पेमेंट होता है तो चार का होता है लेकिन पहले हम दो इन्वॉल्व कर चुके होते हैं इसलिए दो का ही नेट गेन होता है लेकिन ध्यान रहे अगर ग्लाइकोजन की मदद से मान लीजिए हमने खाना खाने के चार पांच घंटे बाद अपने ग्लाइकोजन को एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूटिलाइज करना शुरू कर दिया तो उस समय ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस कितने एटीपी के जनरेशन से रिलेटेड होगी तो जब ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन से ग्लाइकोजन glyco के टूटने से जब ग्लाइकोलिसिस चलाई जाती है तो वो आता है ग्लाइकोजन टूट करके पहुंचता है तो ग्लाइको ग्लूकोज सिक्स फास्फेट के तौर पर पहुंचता है और इस वजह से जो शुरुआती जो हमने एक एटीपी लगाया था वो नहीं लगाना पड़ता है इस वजह से टोटल जो एटीपी बनते हैं वो फोर एटीपी जो बनते हैं उसमें यूटिलाइजेशन केवल एक एटीपी का हो जाता है क्योंकि एक एटीपी का यूटिलाइजेशन होता ही नहीं है वो आया और चला जाता है उधर के लिए तो जो पहला स्टेप में यूटिलाइजेशन वो नहीं होता है इसके कारण जो चार एटीपी बनते हैं और यूटिलाइजेशन सिर्फ एक एटीपी का होता है यूटिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ एक एटीपी का होता है इस वजह से थ्री एटीपी का प्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है तो जब एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ग्लाइकोजन एंटर करता है तो वो ग्लूकोज सिक्स फास्फेट के तौर पर पहुंच जाता है जैसे ये ग्लाइकोजन टूटते टूटते ग्लूकोज सिक्स फास्फेट और यहाँ से जब आगे बढ़ेगा ग्लाइकोलिसिस तो फोर एटीपी बनते ही है टोटल पे ऑफ मोड में तो यूटिलाइजेशन एक एटीपी का कम होता है इसका मतलब तीन एटीपी का नेट गेन ग्लाइकोजन जब डायरेक्टली एंटर करता है तो ग्लूकोज सिक्स फास्फेट के तौर पर जाता है यानी एक एटीपी कम यूटिलाइज होगा ग्लाइकोलिसिस के दौरान इसका मतलब क्या होगा ग्लाइकोजन के द्वारा नेट गेन ग्लाइकोलिसिस में थ्री ए का होता है ये बात समझ में आना चाहिए और ये जो ग्लूकोज सिक्स फास्फेट बना हुआ है ये मल्टी टैलेंटेड होता है ये कुछ भी कर सकता है कुछ भी कर सकता है क्या मतलब यह ग्लाइकोजन बना सकता है ग्लाइकोजन से आ सकता है ग्लाइकोजन के टूटने से आ सकता है खुद चाहे तो ग्लाइकोजन बना सकता है ये एच पाथवे में इन्वॉल्व हो सकता है ये यूरिनिक एसिड का फॉर्मेशन करा सकता है और जो जनरल इसका काम है वो तो कर ही सकता है इसका मतलब ये है कि ये कमिटमेंट अब इसका नहीं है ये कुछ भी करा सकता है ग्लूकोज से अगर ग्लूकोज सिक्स फॉसफेट बनाए तो जैसी आवश्यकता होती सेल की वैसा वो काम करा सकता है इसमें ग्लाइकोजन का बनना ग्लाइकोजन के टूटने से भी बन सकता है एच एम पी में जाना यूरोनिक एसिड की पाथवे में जाना या ग्लाइकोलिसिस में जाना ये इसका काम हो सकता है इसलिए ये नॉन कॉमिटेट स्टेप माना गया यहाँ तक कि देखा गया है कार्बोहाइड्रेट के डिफरेंट सोर्सेज भी इसको बना सकते हैं जैसे ग्लूकोज ही नहीं फ्रक्टोज भी इसको बना सकता है गैलेक्टोज भी इसको बना सकता है ये चाहे तो ग्लाइकोजन बना सकता है या फिर ग्लाइकोजन के टूटने से खुद बन सकता है यह ग्लूकोज के फार्म में भी जा सकता है यह में इन्वॉल्व हो सकता है ग्लूकोनियोजेनेसिस के द्वारा पैरविक एसिड इसको बना सकते हैं तो इस तरीके से इसके कई सारे रोल हैं तो ध्यान रहे हमने इस स्टेप में जो ग्लूकोज सिक्स फास्ट फूड बनाया ये मल्टी टैलेंटेड होता है कुछ भी कर सकता है दो एंजाइम के बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया एक हाउस है याद रखें इसको एच से एच एच फॉर एच हाउस कीपिंग घर चलाने के लिए माँ जैसा काम करने के लिए हेक्सोकाइनेज होता है और ग्लूकोकाइनेज कब करता है जब ग्लूकोज का एक्स्ट्रा भंडार होता है ग्लाइकोजन में इसको बदलना होता है तब उसका रोल होता है इसका मतलब ये हुआ कि अगर ग्लूकोकाइनेज सही से काम करेगा तो जो ग्लूकोज के एक्स्ट्रा भंडार है बात समझ ना जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज का भंडार है वो ग्लाइकोजन में बदल जाएगा अगर ग्लूकोकाइनेज अच्छे से काम करेगा तो लेकिन अगर ग्लूकोकाइनेज काम नहीं किया तो क्या हो सकता है ग्लूकोकाइनेज अगर अच्छे से काम नहीं करेगा तो ये जो भंडार है ना ग्लूकोज का ये ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाएगा ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई ही बना रहेगा और बाद में चल करके ये पता चला कि ग्लूकोकाइनेज का डिफेक्ट डायबिटीज के कुछ मामलों के साथ एसोसिएटेड है जिसको एम ओ डी वाई के बारे में जानते हैं जब हम मेडिसिन में पढ़ेंगे तो वहां पर जनरल पैटर्न तो पढ़ते ही हैं। डायबिटीज के कितने फॉर्म्स हो सकते हैं शुगर के लेवल बढ़ने के कितने तरीके हो सकते हैं उसमें एक तरीका एमओ डी वाई भी होता है मॉडी मॉडी के भी कई फर्दर सब टाइप्स के बारे में पता चला एम्स में इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है तो मॉडी वन मॉडी टू मॉडी थ्री ऐसे करके और भी मॉडी है तो मॉडी टू जो होता है टू, वो ग्लूकोकाइनेज एंजाइम में डिफेक्ट्स की वजह से होता है ग्लूकोकाइनेज अगर डिफेक्टिव होगा तो जो ग्लाइकोजन में बदलने वाले ग्लूकोज थे वो नहीं बदल पाएंगे और इस वजह से डायबिटीज की कंडीशन हमें देखने को मिल जाती है तो देखते हैं क्वेश्चन और मॉडी के बारे में थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया भी लेते हैं पढ़ेंगे हम इसके बारे में

है और यह सीवियर प्रेगनेंसी में देखने को मिल रहा है वो नॉर्मल हो जाएगा जब डिलीवरी हो जाती है उनका ब्लड शुगर अब डिलीवरी के बाद पूरी तरह कंट्रोल में है बिना किसी मेडिसिन के और यह प्रॉब्लम उनके सिस्टर मदर में भी देखने को मिला था उनकी सिस्टर और मदर के भी मामलों में का लेवल बढ़ जाता है प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद वो भी यू ग्लाइसिमिक हो गई थी आफ्टर द डिलीवरी इसका मतलब ये हुआ ये फैमिली में इसका जेनेटिक एसोसिएशन है तो पूछ रहे हैं वो एंजाइम डिफेक्ट कौन सा हो सकता है तो आप जानते हैं मॉडी के साथ क्योंकि और किसी एंजाइम का रोल यहाँ पर ग्लाइकोलिस का डायबिटीज कॉज कराने से नहीं हो सकता ये देखा गया है मॉडी के मामले में ग्लूकोकाइनेज का डिफेक्ट होता है तो कारण तो कुछ भी हो सकते थे लेकिन यहाँ ग्लाइकोलिस के किस एंजाइम का एसोसिएशन इनकी स्टेट के साथ हो सकता तो, है तो मॉडी टू का यह कंडीशन है जिसमें ग्लूकोकाइनेज का डिफेक्ट होता है ग्लाइकोलिस के इस एंजाइम का डिफेक्ट होने की वजह से ग्लाइकोलिस की कंडीशन सॉरी डायबिटीज की कंडीशन वहां पर डेवलप हुई है देखें ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज के बीच के डिफरेंसेस को जिसके बारे में हमने शुरू में ही बात कर लिया था हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज हेक्सोकाइनेज ये हाउस कीपिंग फंक्शन रखता है सैरिट इश्यूज में चल रहा होता है ग्लूकोकाइनेज ये लीवर और पैंक्रियाज में ही सिर्फ फंक्शनल होता है हेक्सोकाइनेज के लेवल पर देखा गया है जब ग्लूकोज का लेवल हंड्रेड एम पर डे से कम होने लगता है तो न सिर्फ ये ग्लूकोज बल्कि दूसरे नए सोर्सेज से भी ग्लूकोज सिक्स फास्टफेट बनाने का रोल देखने लगता है इसका मतलब यह है कि इसका काम है बेसल जो ग्लाइकोलिस की प्रोसेस उसको चलाते रहनाशियल रहना, इसका काम एच फॉर एच हाउस के तौर पर है ग्लूकोकाइनीज का रोल लिवर और पेंक्रियाज में कब जब पोस्ट प्राइंडियल ब्लड का लेवल बढ़ जाए ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए तो फिर हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज सिक्स फास्फेट जो बनते हैं वो आगे ग्लाइकोजन बनाने में इस्तेमाल हो जाते हैं इस में एलोस्टेरिक इनहिबिशन नहीं होता एलोस्टेरिक इनहिबिशन का मतलब क्या होता है इसको भी लॉजिकल वे में सोचें तो सेलुलर मैकेनिज्म बहुत बहुत हद तक हमारी लॉजिकल होती है देखें एक्चुअल में क्या होता है कि हमें जब बेसिक जरूरत होती है जैसे मान लीजिए कि जब ग्लूकोज का भंडार कम है और एनर्जी थोड़ा थोड़ा चाहिए ताकि हम जिंदा रह सकें भाई हमें बेसल अपनी एक्टिविटीज को चलाए रखने के लिए एनर्जी की जरूरत हो ग्लूकोज सिक्स फास्फेट जब हेक्सोकाइनीज के द्वारा बनता है तो कहता है कि मैं पर्याप्त बन चुका हूं अब ऐसा करो तुम थोड़ी देर रुक जाओ क्योंकि जब तक ग्लाइकोलोसिस चलेगा तभी तक एनर्जी की जरूरत है मेरी बात समझ रहे ना लॉजिकल वे में सोचिए वो हाउस है थोड़ा भी ज्यादा अगर ग्लूकोज सिक्स फास्फेट बना तो रोक देता प्रोसेस कहता है पहले हमें यूटिलाइज हो जाने दो एनर्जी बना लेने दो क्योंकि हमें ज्यादा वो नहीं करना जबकि ग्लूकोकाइनीज वाला जो काम होता है जो ग्लाइकोजन बनाता है वो कभी एलो इनहिबिट नहीं करता वो तो चाहता है ये प्रोसेस आगे जाती रहे जाती रहे जाती रहता कि ब्लड से ग्लूकोज के स्टोर को कम किया जा सके इसलिए उसमें एलोस्टेरिक इनहिबिशन जैसी घटनाएं देखने को नहीं मिलती अब सवाल यह है कि क्या इंसुलिन का कोई फर्क पड़ेगा इंसुलिन का फर्क इसेंशियल सर्विसेज पर नहीं पड़ता लेकिन वहां पर पड़ेगा वो चाहता है ग्लाइकोजन बनाना फिर मैंने आपको बताया के की वैल्यू तो यहाँ पर एफिनिटी ज्यादा होती है खोज खोज करके ग्लूकोज को पकड़ पकड़ करके वो एनर्जी प्रोडक्शन कराता है तो इसलिए के की वैल्यू लो होती है यानी एफिनिटी हाई होती है जबकि यहां पर जब ग्लूकोज बहुत ज्यादा होगा तभी ग्लूकोकाइनेज काम करेगा यानी ये कमाई कराता है कमाई हाई तभी ग्लूकोकाइनेज का रोल होता है वी मैक्स इसका लो होगा इसका वी मैक्स हाई होता है सवाल नीट में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ग्लूकोकाइनेज हैज हाई के बिल्कुल ठीक बात है हाई के रखता ही है। इज़ फाउंड इन ऑल सेल्स बिल्कुल ठीक बात है ये भी तो सही है हाउसकीपिंग है ना ग्लूकोकाइनेज इज इंड्यूस्ड बाय इंसुलिन बिल्कुल ठीक बात है हेक्सोकाइनेज इज स्पेसिफिक फॉर ग्लूकोज गलत बात है मैंने आपको पहले ही बताया सेल में जब ग्लूकोज की कमी होने लगती है तो किसी भी सोर्स से ये ग्लूकोज सिक्स फास्फेट बनाने का प्रयास करता है उसके लिए फ्रक्टोज फ्रेक्टोसिक्स फास्फेट सॉरी फ्रक्टोज हो गैलेक्टोज हो कोई भी सोर्स हो ग्लूकोज हो किसी से भी ग्लूकोज सिक्स फास्फेट बनाने का प्रयास करता है तो ये स्पेसिफिक नहीं होता ग्लूकोज के लिए इसीलिए इसको ग्लूकोकाइनेज नहीं नाम दिया गया इसको नाम दिया गया हेक्सोकाइनेज का क्यों क्योंकि स्पेसिफिक नहीं होता है स्टेप टू और स्टेप थ्री पर बात करें तो अब आगे लेवल पर देखा हमने बात किया था सिक्स पोजीशन पर फास्टफेड था फिर इसका फॉर्म चेंज किया गया क्यों चेंज किया गया मैंने आपको बताया यहाँ एल ग्रुप था कीटो ग्रुप लाने पर बीच में अब सीओ ग्रुप आ जाएगा तो तोड़ने में आसानी रहेगी इसीलिए यहां पर आईसोमेरेज का रोल रहा यह रिवर्सबल स्टेप है और उसके बाद मैंने आपको बताया कि एक बार और ए का इन्वॉल्वमेंट करके पहले और अंतिम दोनों पोजिशन पर फास्टफेट ग्रुप जोड़ दिया जाता है यह स्टेप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और फास्टफो फ्रक्टोकाइनेज एंजाइम इसको कैटेलाइज करता है ये रेट लिमिटिंग स्टेप है और कमिटेड स्टेप है आर इसका नाम है फिर यहाँ पर हम सोचते हैं फास्फोफ्रक्टोकाइनेज फ्रक्टोकाइनेज टू का क्या रोल होता है अभी हम देखेंगे फास्फोफ्रक्टोकाइनेज जैसा कि हमने यहाँ फास्फो फ्रक्टोकाइनेज वन का नाम लिया पी एफ वन याद रखिएगा पी एफ जब भी बोला जाए पी एफ का रोल एक मौसी के बेटे जैसा होता है यानी इसी का मौसेरा भाई है जो साइड से आता है और इसको और ज्यादा पुश करता है, नाम से तो रहा है ना टाइटल है है। दूसरा पी एफ के टू है अब ये जो पी के टू होता है ये स्पेशल मामलों में ग्लाइकोजन के द्वारा तैयार किया जाता है पी के टू को एक्टिवेटेड मोड में लाया जाता है और ग्लाइकोजन अगर पी के टू को एक्साइट कर रहा है इसका मतलब ग्लाइकोजन ग्लूकागान सारी

ये किसके कहने पर आकर के इसको सपोर्ट करता है ये आकर के सपोर्ट करने लगता है इसको और ज्यादा मोरल हाई किया रहता है इसका मोरल हाई किया जाए किसके द्वारा पी एफ के टू के द्वारा के ये आया कहा से ग्लूका कहने पर ही आया अभी हम देखेंगे तो फास्टो फ्रेक्टोकानेस के बारे में देखें तो ये मेजर रेगुलेटरी एंजाइम और जो भी रेगुलेटरी एंजाइम होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं अगर क्लाइकोलिस के प्रोसेस को देखा जाए तो इसका मेन मकसद क्या है एनर्जी का प्रोडक्शन एनर्जी का प्रोडक्शन ही तो है अगर मान ली एनर्जी ज्यादा बन रही है जैसे नहीं होता है कि बहुत तमीज का प्रोसेस है सेल को एनर्जी अगर पर्याप्त तो मिल रही है तो ये प्रोसेस थोड़ा धीमा कर दिया जाता है बिना मतलब का ज्यादा नहीं कराते हैं कि मिल रहा है तो कराते जाओ ऐसा नहीं है जितनी जरूरत उतना ही खर्च करता है सेल तो इस स्टेप को अगर इनहिबिट करना है तो फिर ए अगर ज्यादा बन चुका है तो फिर इसको इनहिबिट कर दिया जाता है ऐसे ही क्रिप साइकिल में सिट्रिक एसिड बनता है ना सिट्रेट सिट्रिक एसिड अगर वो बना हुआ तो कहता है भाई अभी मैं बना हुआ हूँ तुम्हें तो कोई जरूरत नहीं पीछे से और माल भेजने की, मेरी हो नहीं? पीछे और माल भेजने की नहीं। चुके हैं एडीपी एएमपी कहते हैं भाई मैं खाली पड़ा हुआ हूं मेरे पास अब पैकेट में एनर्जी नहीं है एटीपी बनाओ मैं एडीपी एएमपी हूं तो वो जाकर उसको एक्साइट करते फिर वो आगे बढ़ना शुरू हो जाता है इसी तरीके से मैंने देखा अभी हम लोगों ने देखा ग्लूको ग्लूकोगोन के द्वारा इसको करने की कोशिश की जाती है तो हार्मोनल भी इस पर रेगुलेशन होता है और कुछ जो सेलुलर मेटाबोलाइट्स होते हैं वो भी इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो एंड हार्मोनल कंट्रोल कैसे मैंने आपसे कहा ना कि इसको रोकना है तो हाई एनर्जी स्टेट्स वाले जैसे एटीपी है फिर सिट्रिक एसिड सिट्रिक एसिड कहने का मतलब पीएच लो है मतलब समझ रहे हैं ना सिट्रिक एसिड का मतलब क्या एसिड का मतलब पीएच लो होना तो वो भी इसको इनहिबिट किया था। इसके अलावा कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड का हायर कंसेंट्रेशन जब लेवल रहता है तो वो रोके रखता है कहता है अभी आपको ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं लेकिन अगर इसको स्टिवुलेट करना हो तो फिर आप देख सकते हैं ए डीपी ए एम पी ये कहते हैं भाई हमारे पास एनर्जी नहीं है आप तेजी से काम करना शुरू करो पी एफके वन तेजी से स्टेप को आगे ले जाओ इसी तरीके से आप देखेंगे फ्रक्टोज सिक्स फास्फेट जो पीछे से रॉ मटेरियल है वो कहता है भाई क्यों रुके पड़े हुए पीछे वाले समझ रहे ना वो कहते हैं भाई तुम क्यों रुके पड़े हो मुझे आगे ले चलो आगे ले चलो जैसे होता

तो फ्रक्टोस सिक्स फास्फेट कहेगा आगे लेके चले चलो ये कहेगा तुम रुके रखो ठीक है इसके अलावा एक और था कि पी एफ के टू को अगर तैयार किया जाए जो ग्लूकाकॉन तैयार करता है तो वो आकर के उसको कहता है भाई आगे बढ़ो आगे बढ़ो क्योंकि एनर्जी और बनाना है इसी तरीके से आगे अगर एटीपी बना हुआ तो वो कहता है भाई थोड़ा रुके रहो समझ इस तरीके से उसको कंट्रोल किया जाता है यहीं पर रोल एक और देखेंगे कि फ्रक्टोज वन सिक्स बाई फास्फेट अगर बन गया जो इसका प्रोडक्ट है जो इसके द्वारा बनाया जाएगा पी वन के द्वारा फ्रक्टोज वन सिक्स बाई फास्फेट बनाया जाता है वो इसको इनहिबिट करने का काम करता है प्रोडक्ट इनहिबिशन जैसा लेकिन अगर फ्रक्टोज

PFK2, एक एंजाइम होता है, उसकी एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है जिसके कारण ये फ्रक्टोज़ एक बाई पास कर जाता है क्या कर जाएगा फ्रक्टोज एक बाईपास पास करके ये जो पी एफ के टू है ना ये एंजाइम दो नाम से जाना जाता है यही एंजाइम यही है फ्रक्टोज बाई फास्फेटेज टू या फास्फो फ्रक्टोकाइनिस टू ये एंजाइम एक साइड में एक और प्रोडक्ट बना देता है जो मोसेरा भाई है टू सिक्स बाई फास्फेट का तो जो पी एफ के टू जो है पी एफ के वन का मौसेरा भाई है क्योंकि एक ऐसा प्रोडक्ट बनाता है जो एक्टिवेट कर देता है पी एफ के वन की एक्टिविटीज को जिसके कारण अब ये स्टेप तेज होने लगते हैं तो अब देखिए इसमें फ्रक्टोज 16 बाई फास्फेट यहां कह रहे हैं और यहाँ कह रहे हैं 26 बाई फास्फेट इसलिए सवाल पूछा जाता है पीएफके1 को अगर एक्साइट करना है कौन करेगा 16 या 26 26 वाला इसको एक्साइट करता है याद रखेंगे तो पीएफके2 या इसी का दूसरा नाम फास्फो फ्रक्टोज बाई फास्फेटेस 2 या फिर बिस्फेटेस 2 आप कह लें और फास्फो फ्रक्टोकाइनेज 2 ये दोनों ही एक ही हैं ये इनडायरेक्टली रेगुलेट करते हैं ग्लाइकोलिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस को ध्यान रहे ग्लाइकोलिस के प्रोसेस को भी हमने देखा ना तेजी से बढ़ाने में मदद किया नीट में पूछा गया क्वेश्चन जेनेटिक डिसऑर्डर रेंडर फ्रक्टोज इन लीवर लेस सेंसिटिव टू रेगुलेशन बाई फ्रक्टोज टू सिक्स बाई फॉस अच्छा ऑल ऑफ द फॉलोइंग मेटाबोलिक चेंजेस अकर एक्सेप्ट मान लीजिए कोई ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर रहा जिसने फ्रक्टोज टू सिक्स बाई फास्फेट जो बना हुआ है उसके द्वारा जो एक्साइट करने की प्रोसेस है उसको उसने इनहिबिट कर दिया देखें जेनेटिक डिसऑर्डर ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आप जानते हैं टू सिक्स बाई फास्ट जो होता है वो वन सिक्स बाई फास्टफेट के फंक्शन को तेज करता है अगर ये काम ना हो पाए किसी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से तो क्या क्या मेटाबॉलिक चेंजेस होंगे इसका चेंजेस ये होगा तो उसमें कह रहे हैं कि वो कौन कौन से चेंजेस होंगे एक्सेप्ट तो एक्सेप्ट पहले कौन कौन से चेंजेस होंगे वो देख लेते हैं फ्रक्टोज वन सिक्स बाई फास्टफेट कम बनने लगेगा क्योंकि ये इसको एक्साइट करता है मौसेरा भाई है ना जैसे पी एफ के वन को एक्साइट करने के लिए पी एफ टू टू होता है पी एफ टू होता है वैसे आप देख सकते हैं ना उसका जो प्रोडक्ट जो बनेगा उस उसमें फ्रेक्टोस टू सिक्स बाई फास्फेट वो फ्रक्टोज वन सिक्स बाई फास्फेट जो वहां पर सबस्ट्रेट होता है उसको एक्साइट किया रहता है काम करने के लिए अगर ये फाल्टी है तो कौन इसको संभालेगा कौन इसका मोरल हाई करेगा कोई नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब यह होगा कि जो इसका लेवल होगा वो यूजुअल से नॉर्मल नॉर्मल वैल्यू से कम हो जाएगा देखें लोअर देन द दे नॉर्मल हो जाएगा बिल्कुल ठीक बात है अगर इसका लेवल कम रहेगा तो पैरविक एसिड भी कम बनेगा बिल्कुल कम बनेगा और अगर इसका लेवल कम रहा पैरविक एसिड कम बना तो ऑब्वियस सी बात है ए भी कम बनेगा जबकि पहले ऑप्शन में कह रहे हैं नहीं फ्रक्टोज वन सिक्स बाई हायर होगा देन द नॉर्मल गलत बात है ये स्टेप्स इसमें शामिल होंगे अब देखा जाए तो पीएफके1 इज इनहिबिटेड बाय तो इंसुलिन ग्लूकोस 6 फास्फेट एएमपी और सिट्रेट तो देखा जाए पीएफके1 को इनहिबिट करना है ओके तो पीएफके1 की एक्टिविटीज को इनहिबिट कौन करेगा आगे के बने हुए प्रोडक्ट्स मेरी बात समझ रहे सिट्रिक एसिड क्योंकि अभी मैंने आपको बताया लो पीएच सिट्रिक एसिड या एटीपी उसको इनहिबिट करेंगे जबकि इंसुलिन एक्साइट करेगा किसी और फॉर्म में जाने के लिए पीछे से रॉ मेटेर लो एनर्जी का स्टेट भी इसको कहेगा कि भाई एनर्जी की कमी है आप ज्यादा से ज्यादा एटीपी बनाने के लिए स्टेप को आगे बढ़ाए रखिए तो अब तक हमने तीन एंजाइम्स देखा जिसको इरिवर्सिबल स्टेप्स के तौर पर देखा जाता तो है वन और लास्ट में एक और

और इसको रोकना हो तो ग्लूकागोन काम करेगा क्योंकि ग्लाइकोजन सिंथेसिस से रिलेटेड है पी के वन के लेवल पर हमने देखा इसको बनाए रखना है तो आप देख सकते हैं मोसेरा भाई आया लो एनर्जी स्टेट आया इंसुलिन आया और इसको इनहिबिट करना हो तो ग्लूकागोन एटीपी हाई एनर्जी का स्टेट इसको रोकने का काम करेगा आगे जो भी अच्छे का मतलब प्रोडक्शन ज्यादा हो चुका है सिट्रेट सिट्रिक एसिड बन चुका तो भी इसको रोका जाएगा सिट्रिक एसिड एसिड है तो इसका मतलब लो पीएच है तो वो भी इसको इनहिबिट करेगा आगे देखेंगे हम पी एफ के वन के लेवल पर कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो मसल में ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसऑर्डर से रिलेटेड रिलेटेडीक के साथ एटीपी ज्यादा होगा तो ग्लाइकोलाइसिस को रोक दिया जाएगा एडीपी अगर ज्यादा होगा तो ग्लाइकोलाइसिस को बढ़ा दिया जाएगा क्योंकि लो एनर्जी स्टेट होगा ये ज्यादा है तो चाहेगा नहीं आप समझ सकते लॉजिकल है थोड़ा सा इसको ध्यान में रखें तो ज्यादा एनर्जी है तो कहा जाएगा अभी मत चलो जब कम एनर्जी हो तो कहा है, चलाते रहो एनर्जी कम हो रही है और इसी वजह से यहाँ पर एनर्जी स्टेटस ऑफ द सेल के लेवल पर हम देखते हैं और ये एल्लो स्टेरिक रेगुलेशन है ए एक एल्लो स्टेरिक रेगुलेटर है और वो किस एंजाइम के लिए एलो स्टेरिक रेगुलेटर है आप देखें तो जो इसके इर रिवर्सिबल होते हैं उन्हीं को रोकने का काम करेगा तो पी एफ के वन और पाइवेट का लेवल पर आप ध्यान दे सकते हैं क्योंकि ये इरिवर्सिबल स्टेप रेगुलेट किए जाते हैं बाकी स्टेप्स पर आप देखेंगे तो यहाँ हेक्सोकाइनेज को रेगुलेट नहीं किया जाता जनरली ये बेसिक है इस पर हम रेगुलेशन की प्रोसेस जो देखते हैं वो ग्लूकोकाइनेज के लेवल पर ज्यादा देखते हैं तो इसलिए ऑप्शन नहीं होगा बेस्ट ऑप्शन यही है हालांकि यहां पर दोनों स्टेप इरिवर्सिबल हैं है यहाँ रेगुलेशन की बात सोची जा सकती है लेकिन ग्लूकोकाइनेज होता तो होता हैक्सोकाइनीज है। यहां पर देखें ये दोनों ही ऑप्शन ध्यान में रखना है क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन लगातार कम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं बाकी ऑप्शन को भी आप चेक कर लेंगे अब देखें फ्रक्टोज वन सिक्स बाई बन चुका था याद है फ्रक्टोज वन सिक्स बाई हम इस स्टेप तक आ चुके थे इसके बाद अब इसके ब्रेक डाउन होता है होना होता है ग्लिसल डिहाइड थ्री फास्फेट और डाई हाइड्रोक्सीडोन फास्ट फास्फेट कहने के बाद देखिए ग्लिसरिक एसिड कहा जा रहा है अब आप समझ सकते हैं ना जो मैंने आपको शुरू में कहा से ज्यादा फॉर्म एसिड एसिड होता है चलते चलते फिर बाद में जब साइकिल में घुसेगा तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना शुरू कर देगा इस तरीके से साइकिल चलती है देखें ये ब्रेकअप की प्रोसेस कैसे होगी फ्रक्टोज वन सिक्स बाई फास्फेट से धाप और ग्लिस्टिहाइड थ्री फास्फेट ये आपस में बदल सकते हैं इस प्रोसेस को तोड़ने के लिए दो मॉलिक्यूल्स में बदलने के लिए एल्डोलेज का रोल होता है इरिवर्सिबल स्टेप्स कितने रहे हैं तो आगे आपको ध्यान में रखना है हमने दो पढ़ लिए हैं फास्फोफ्रक्टोकाइनेज के बारे में पढ़ लिया है जिसको हम वन कह रहे थे पाइरुवेट काइनेज सबसे लास्ट स्टेप है उसका भी ध्यान में रखिएगा अभी हम लोगों ने देखा ग्लिसरॉल ये दो प्रोडक्ट्स मिल चुके हैं फ्रक्टोज 1 16 बाई फास्फेट से धाप और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट मिल चुका है ये धाप का मैंने आपसे कहा रोल ज्यादा नहीं होता है तो फिर ये बनता क्यों है रियल में जो पाइरुविक एसिड को लेकर के चलने की जिम्मेदारी होती है वो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट की होती है फिर धाप क्या कर रहा होता है उसको अभी यहीं पर हम देख सकेंगे एक्चुअल में थ्री अगले स्टेप में यहां पर फास्फेट ग्रुप को इनऑर्गेनिक फास्फेट को जोड़ता है ये बात हमने आपको बताया और इस दौरान एन बहुत ही बड़ा पैकेट तैयार होता है एनर्जी का जिसको आगे एटीपी में बदला जा सकता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के भीतर ले जाकर एटीपी में प्रोड्यूस कराया जा सकता है लेकिन होता क्या है ना कि जैसे मान लीजिए आपके पास डॉलर मिल जाए इंडिया में काफी करेंसी होती है लेकिन उसका सही में मायने में कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक आप उसको एक्सचेंज नहीं करेंगे सही बात है ना तो ऐसे डॉलर है ये एटीपी को आप रुपए की तरह समझें। तो इंडियन रुपीज ए है डॉलर है ये डॉलर तैयार तो हो गया लेकिन इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सचेंज करना पड़ेगा तो कैसे करेंगे देखिए वो धाप की मदद से ही होता है किसकी मदद से धाप की मदद से होता है कैसे होता है डीएचएपी डाई हाइड्रोक्सी स्टोन फॉस्टेट की मदद से कैसे देखते हैं ग्लिसर डीहेक्ट थ्री फॉस्फेट वन थ्री बीपीजी में बदला फिर आगे कई सारे स्टेप से होते हुए ये पायर तक बदलेगा अब ये जो बना हुआ डॉलर है इसको लेकर के जाना है तो होता क्या है होता क्या है कि धाप जो है डीएचए इसको अपने भीतर छुपा लेता है और बन जाता है ग्लिसरॉल फास्फेट के तौर पर मतलब समझे आप इसको अपने भीतर छुपा लेता है क्योंकि ये एन एच प्लस ये डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जा सकता इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यूटिलाइज होने के लिए डायरेक्टली नहीं जा सकता है तो इसको पकड़ करके धाप डीएचएपी अपने भीतर छुपाता है और अपना फॉर्म बदल देता है ग्लिसरॉल मतलब ये कि आप देखें इसके पास हाइड्रोजन है यहाँ पे देखें इसके पास है हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को छुपाना है देखिए ना यहाँ यहाँ देखिए गायब हो गया तो इसने अपने पास छुपा लिया इसके कारण हुआ क्या ये ग्लिसरल डिहाइडल डिहाइड ये एसिटोन था डाई हाइड्रोक्सी एसिटोन एसिटोन रिड्यूस हो गया और जब कीटोन या एल्डिहाइड जब रिड्यूस होते हैं तो अल्कोहल में बदलते हैं तो ये बदला ग्लिसरॉल में ये कीटोन था ना कीटोन देखिए हाइड्रोजन को छुपा करके में बदल गया अल्कोहल में ये अल्कोहलिक फॉस्फेट जा सकता है कहां पर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, में और उसके बाद यह दोबारा धाप में बदलता है और इस पूरी प्रक्रिया में चूंकि यह चोरी करके ले जा रहा है ना स्मगलिंग कर रहा है आप देख सकते हैं डायरेक्टली जा नहीं सकता था तो अंदर जो गया, तो अंदर गया इसने पूरे पैसे नहीं चुकाए चुकाए पूरे पैसे नहीं मतलब क्या इसने से ले गया था था एनर्जी के के प्रोडक्शन का का वादा कराया लेकर चुका है लेकिन वहां एनएडीएच नहीं देता है वहां पर जाकर एफ एडीएस देता है इसका मतलब क्या हुआ एक ए टीपी यहाँ पर कम बनती है तो आप देख सकते हैं धाप जो है ग्लेस्ट्रॉल फास्ट में बदलता है माइट्रोकॉन्डल मैट्रिक्स में जाता है वहां दोबारा धाप में बदल करके जब हाई एनर्जी करेंसी के प्रोडक्शन की बात आती है तो एन तो लेता है लेकिन अंदर एनएडीएच वापस नहीं करता है ये ये को वापस वापस करता है है मतलब एक ETP कम बनता है। तो इस तरीके से ये वापस चला गया दोबारा किसी धाप जो है है पकड़ ले इसलिए इसका इंपॉर्टेंस होता है लेकिन इससे अलग एक और शटल होता है मैलेट स्पार्टेड शटल जो अगर ग्लाइकोलिस के दौरान चला तो बनने वाले एनएडीएच को जैसे लिया वैसे ही अंदर छोड़ता है ये बड़ा ही ईमानदार होता है क्या मेरे कहने का मतलब है देखें एक्चुअल में आ, दुनिया में हर जगह तो ऐसा नहीं होता ना कई बार अच्छे लोग भी होते हैं तो यहाँ पर एस्पार्टेट मैलेट एक शटल होता है अगर वो फंक्शन रहा तो फिर अगर एनएडीएच को लेकर के जाएगा तो अंदर भी एनएडीएच ही प्रोड्यूस कराता है कैसे उसी चीज को यहाँ पर हमें समझना है नीट में पूछा गया क्वेश्चन है शटल आर रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ एन जनरेटेड इन साइटोप्लाज्म टू टू पार्टिसिपेट इन ईटीसी तो कितने यहाँ पर पूछा गया अगर एनएडीएच को मैलेट शटल के द्वारा या मैलेट एस्पार्टेट शटल के द्वारा ट्रांसफर किया जाए तो कितने ए का फॉर्मेशन होगा तो यहां पर आप देख सकते हैं ये कोई भी चोरी नहीं करता है अगर धाप और ग्लिसरॉल वाला शटल चल रहा होता तो वहां पर एफ का फार्मेशन होता लेकिन अगर मैलेट स्पार्टेड शटल चलता है तो एनएडीएच को ही उठाया जाता है और अंदर भी एनएडीएच ही बना करके दे दिया जाता है इसका मतलब 2.5 पॉइंट का जो जनरल फार्मेशन होना चाहिए वो होता है वहां पर 1.5 पॉइंट का होता है

इंडो नेपाल बॉर्डर पे खूब होते हुए देखेंगे वहां पर क्या होता है कुछ लोग आते हैं नेपाल से इंडिया में यहाँ पे जो चीजें सस्ती होती है उसको उठाते हैं फिर वहां लेकर के चले जाते हैं वहां बेचते हैं ऐसे वहां से कुछ चीजें सस्ती होती है यहाँ पर लेकर के आते हैं एक बॉर्डर है हमारे पास इस साइटोप्लाज में बना हुआ एनएडीएच एडीएच मैट्रिक्स में अगर जाना है तो डायरेक्टली नहीं जा सकता है उसको इस तरह के से कुछ शटल के थ्रू जाना होता है और इसमें स्पार्टेड आंटी आती है देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स से घूमते हुए आती है और अपने आप को ऑक्जेलो स्टेट एसिड में बदल जाती है कैसे ये एस्पार्टेट जो होता है ये अपना अमीनो ग्रुप दे देता है अमीनो ग्रुप देखें अल्फा कीटो ग्लूटरेट को दे देता है इस चीज को समझना हो तो फिर आप यूरिया साइकिल जरूर देख लीजिएगा एन टू इसको दे देता है जिसके कारण ये ग्लूटामेट में बदल गया समझ रहे अपने अपने ग्रुप को को दे दिया और आप देखें कीटो एसिड में बदल गया, एसिड में में बदल बदल गया गया अब ये एक बार और अपना रूप बदलता है ये क्या करता है अपने भीतर छुपा लेता है इसको किसको एन एडीएसटू को और बदल जाता माला में बात समझ रहे हैं तो इसके बाद हुआ क्या ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है आप देखें कोई अमीनो एसिड आता है अमीनो एसिड आया वो अमीनो एसिड अपने आप कीटो एसिड में बदल गया कैसे अपने पहले अमीनो ग्रुप को छोड़ा कितनी शानदार स्टोरी है अमीनो ग्रुप को छोड़ा अल्फा कीटो कीटोरिक एसिड को दिया कहा तुम अमीनो एसिड में बदल करके पड़े रहो मुझे अपना रूप बदलने दो मैं एसिड में बदल जाती हूँ मैं अपने ऊपर एनएडीएच को चढ़ाऊंगी मैं बदल जाती हूँ माला में माला मतलब मैलेट ये मैलेट के बारे में आगे हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिये मैलेट अब अंदर की ओर घुसेगा एक बार फिर से ये वापस कर दिया जाएगा एनएडीएच और मैलेट

डिहाइड थ्री ट यहां पर देखें हम इस सिस्टम में इससे पहले के जो स्टेप्स थे उसमें एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है एनर्जी लगाई जाती है जबकि इसके बाद जो स्टेप्स होते हैं इसमें पे ऑफ स्टेप कहा जाता है जिसमें पहले देखें आप अल्टीमेटली एक पहले केवल एक फास्फेट था फिर एक और इनऑर्गेनिक फास्फेट जोड़ करके एक और इनऑर्गेनिक फास्फेट जोड़ करके वन और थ्री पोजीशन दो लेवल पर फास्फेट ग्रुप लगा लिया गया फिर अब इन फास्फेट ग्रुप को छोड़ा जाएगा फास्फेट ग्रुप को जब छोड़ा जाएगा तो एटीपी की एनर्जी निकलना शुरू हो जाएगी तो देखिए एक फर्स्ट पोजीशन वाले को निकाला गया तो फिर केवल थ्री बचा फिर थ्री वाले को टू पर भेजा गया फिर इसको भी निकाल दिया गया यानी दो जो फास्फेट ग्रुप थे दोनों को जोड़ हटा करके पायरविक एसिड का फॉर्मेशन कर दिया जाता है तो पे ऑफ फेज का समरी हम देखते हैं ग्लिसरल डिहाइड थ्री फास्फेट है यह एक इनऑर्गेनिक फास्फेट को जोड़ा वन थ्री बाई बिसट या ग्लिसरिक एसिड में बदल गया यह हाई एनर्जी है इसको इनऑर्गेनिक फास्फेट से जोड़ा गया और इस रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए नीट में पूछा गया क्वेश्चन है ये एटीपी नहीं जोड़ा गया, जोड़ा गया। इसको जोड़ने के लिए, थ्री से करता है कौन इनहिबिट करता है ये सारे सवाल पूछे गए आइडो एसिडेट से इनहिबिट करता है लेकिन अगर ये स्टेप चल गया इनहिबिट नहीं हुआ तो फिर एनएडीएच बनेगा समझ है ना थोड़ा सा माल लगा करके ज्यादा बहुत हाई एनर्जी का कंपाउंड बनाया जिसको लेकर के अभी हमने देखा क्या डीएचएपी और क्लिसर फॉस्फेट वाला शटल या फिर मैलेट स्पार्टेड शटल का रोल हम लोगों ने देखा था इसी के ट्रांसपोर्टेशन को लेकर खैर देखिए इनऑर्गेनिक फास्फेट जोड़ा गया तो थर्ड पोजीशन पर मीन एक ही केवल फास्फेट ग्रुप था अब फर्स्ट एंड थर्ड दोनों पोजीशन पर फास्फेट ग्रुप जुड़ गए हाई एनर्जी कॉम्प्लेक्स है अब ये सबस्टेट लेवल फास्फोराइलेशन का पहला स्टेप होगा जो वन थ्री बाई फा, बिस्टो काइनेज इसको इनहिबिट करने का काम आर्सेनाइट करता है और आर्सेनाइट अगर इसे रोक देता है तो साइकिल तो चलती रहेगी लेकिन एटीपी का प्रोडक्शन नहीं होगा क्या मतलब क्लाइकोलिस तो कंटिन्यू रहेगा इस एंजाइम के जाने से आर्सनेट अगर इसको इनहिबिट करता है आर्सनेट न सिर्फ यहां पर बल्कि आगे भी इनहिबिट करेगा क्रेब्स साइकिल को भी किस स्टेप पर इनहिबिट करेगा उसको हम देखेंगे नोट्स में हम इस पर पढ़ने का प्रयास करेंगे देखें आर्सेनाइट जब इसको इनहिबिट करता है तो एटीपी का जनरेशन नहीं होगा लेकिन ग्लाइकोलिसिस चलता रहेगा और ये सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन है इस दौरान 3 फास्फोग्लिसरेट फॉर्म होता है उसके बाद 2 फास्फोग्लिसरेट फॉर्म होता है इस स्टेप में क्योंकि देखिए थर्ड से पोजीशन पर फास्फेट ग्रुप को ट्रांसफर किया गया है जिसकी वजह से यहाँ जो एंजाइम लगता उसे कहते है उसके बाद रिलीज कर दिया जाता है अभी भी यहाँ पर देखिए फास्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है इसको दोबारा अगले लेवल का जो सबस्टेट लेवल फास्फोराइलेशन होता है वो पायरवेट में बदल दिया जाएगा और एटीपी का एनर्जी यहाँ पर निकलेगा देखा जाए तो पायरवेट इंपॉर्टेंट होता है और ये अंतिम स्टेप ग्लाइकोलिस में जो इन

यह हेक्सोज शंट के मामलों में देखने को मिलता है सबसे ज्यादा यही एंजाइम डिफेक्ट होता है लेकिन उसके बाद देखा जाए जिसमें आरबीसी ब्रेकडाउन होता है तो उसका कारण पायरवेट का अगर ये एंजाइम डिफेक्टिव रहा तो ग्लाइकोलिस नहीं होगा एटीपी प्रोड्यूस नहीं होगा आरबीसी के भीतर पंपिंग जो पंप चलाने के लिए एटीपी की एनर्जी की जरूरत होती है वो नहीं हो पाएगा तो हेमोलिसिस हो जाएगा फिर हम कैसे अंतर कर पाएंगे हेमोलिसिस तो एच शंट के मामलों में जिस में भी होता है ये सबसे ज्यादा तो यही होता है फिर इसमें अंतर कैसे कर पाएंगे तो देखा गया एच वाले मामलों में हिंज बॉडीज की प्रेजेंस हिमोलिसिस के दौरान हिंज बॉडीज की प्रेजेंस देखने मिली बॉडीज यहां पर हमें पायरविट की डिफिशियंसी से होने वाले हिमोलिसिस के दौरान देखने को नहीं मिलेगा इस पर आधारित एम्स में क्वेश्चन पूछा गया है हिंज बॉडीज और उसके लेवल पर हिमोलिसिस अगर हो रहा है तो जी सिक्स पी डिफिशियंसी के मामलों को और हिंज बॉडीज की प्रेजेंस नहीं मिल रही इस तरीके से क्लियर कट लिखा हुआ तो वो पायरविट काज के डिफेक्ट की वजह से होता है एक और साइकिल देखते हैं रूपापोर्ट ल्यूबरिंग लूब, साइकिल इसको समझने के लिए हमें थोड़ी फिजियोलॉजी की जानकारी होनी चाहिए फिजियोलॉजी जिसमें हम देखते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कब राइट साइड में शिफ्ट होगा कब लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा वो अगर आपको बेसिक समझ है तो फिर ये अच्छे से समझ में आ जाएगा वैसे भी समझ में होगा भी क्योंकि हम पहले भी फिजियोलॉजी में पढ़ते आते हैं और काफी हद तक एमबीबीएस में भी इसको पढ़ने का मौका मिलता है तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन के, के लिए ऑक्सीजन को आरबीसी के भीतर रूपापोर्ट ल्यूबरिंग साइकिल का रोल होता है ये आरबीसी के भीतर ही होता है द्वारा अपनी फंक्शंस करती है लेकिन 10 परसेंट मामलों में ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन करके वो का मदद लेती है रूपापोर्ट ल्यूबरिंग साइकिल के द्वारा अपने प्रोसेस को चला रही होती है इसमें होता क्या है ग्लिसरल डिहाइट थ्री फॉस से वन थ्री बिज फास्टो ग्लिसरेट बनता है हम जानते हैं। बना, सारे काम तो हमने देखे जनरली क्या होता है वन थ्री बिस से थ्री बनता है इसमें ए टीपी की प्रोडक्शन होती है लेकिन कई बार ये बाईपास हो जाता रास्ता क्यों हो जाता है क्योंकि इसमें एक कंपाउंड बनाना होता है क्या है ये कंपाउंड ये कंपाउंड है टू थ्री बाई फास्ट या बिस्ट और यह वापस थ्री फास्फो है जब ये फार्म होता है तो इसका रोल क्या है ये केवल टेन परसेंट ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन के दौरान होता है लेकिन इसका बड़ा रोल होता है जब इसका लेवल बढ़ने लगता है जब इसका लेवल बढ़ने लगता है तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व राइट साइड में शिफ्ट होने लगता है और राइट right साइड में शिफ्ट होने का मतलब क्या ऑक्सीजन की डिलीवरी सेल के लेवल पर बढ़ा दी जाती है तो आपको पता होगा ना ऑक्सीजन की डिलीवरी सेलुलर लेवल पर कब बढ़ाई जाती है जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा ज्यादा हो मतलब क्या कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की कमी हो रही तो तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व राइट साइड में शिफ्ट होता है इसी तरीके से जब टू थ्री बाई फास्फोग्लिसरेट का लेवल बढ़ा हुआ होता है तो भी ये आगे की ओर बढ़ता है इसी तरीके से हाई टेम्परेचर के स्टेट में भी यह डिसोसिएशन कर्व राइट हैंड साइड की ओर शिफ्ट होता है तो यहां पर देखें टू थ्री बाई फास्फोग्लिसरेट का लेवल बढ़ता है जब तो ए का प्रोडक्शन नहीं होता है लेकिन यह फायदेमंद इसलिए होता है क्योंकि यह ऑक्सीजन का डिलीवरी सेलुलर लेवल पर बढ़ा देता है क्यों क्योंकि अब ऐसा कर रहा है इसका लेवल बढ़ा तो फिर आरबीसी की ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी कम हो जाती है इसका मतलब ऑक्सीजन अब आरबीसी आसानी से छोड़ देता है इसका मतलब क्या हुआ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व राइट हैंड साइड की ओर शिफ्ट हो जाता है इसका मतलब क्या हुआ ऑक्सीजन की अनलोडिंग हो जाती है तो पी फिफ्टी की वैल्यू बढ़ती है यह भी एक बार क्वेश्चन के तौर, तौर पर पूछा गया है राइट हैंड साइड में शिफ्ट होता है डिसोसिएशन कर्व इसके अलावा पूछा गया टेम्परेचर बढ़ता है कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है टू थ्री बाई फास्फोग्लिसरेट का लेवल बढ़ता है इस तरीके की चीजें होती है सवाल यह भी पूछा गया है जीरो ए टीपी आरबीसी में कब प्रोड्यूस होता है के दौरान तो अभी हमने देखा आर्सेनिक की पॉइजनिंग के दौरान भी हम लोगों ने बात किया था कि यह स्टेप चलता तो है लेकिन ए का प्रोडक्शन नहीं होगा यही बात तो अभी हमने कहा आर्सिनिक की पॉइजनिंग के दौरान यह स्टेप आगे तो बढ़ता है लेकिन एटीपी का प्रोडक्शन नहीं होता ऐसे ही बाईपास अगर हुआ तो भी

जब इसेंशियल सर्विसेज चल रही होती हैं तो फिर इसे रेगुलेट नहीं किया जाता है बात समझ रहे हैं ना और जो भी रेगुलेशन की प्रोसेस होती है वो आमतौर पर या तो ग्लाइकोजन बनाने के लिए किया जाता है या फिर नॉर्मल अगर सेलुलर एनर्जी की प्रोसेस कमजोर हो रही है तो फिर इसको रेगुलेट करने की कोशिश की जाती है और खास तौर पर उन स्टेप्स को रेगुलेट करने की कोशिश की जाती है जहां से इ स्टेप्स इसमें शामिल होते हैं तो देखा जाए तो जो ग्लाइकोलिसिस का रेगुलेशन है वो डीफास्फोराइलेटेड स्टेट में इंसुलिन के द्वारा रेगुलेट किया जाता है ये सवाल पूछा गया है इंसुलिन कब एक्टिवेट होता डी फास्ट स्टेट में खैर देखा जाए तो इसका एलोस्टेरिक रेगुलेशन होता है जिसमें सबस्ट्रेट आगे बढ़ने को कहता है और प्रोडक्ट इसको पीछे जाने को कहते हैं मतलब है ना अभी हमने जो पहले बात किया था आगे के जो स्टेप्स हैं अगर वो प्रोडक्ट ज्यादा बना रखे तो कहते हैं भाई रुके रहो रुके रहो और पीछे वाले कहते हैं अरे भाई धक्का मारो आगे बढ़ो आगे बढ़ो तो वही चीज होता है एलो रेगुलेशन में और मैंने आपको बताया जितने भी रिवर्सबल स्टेप्स हैं जैसे हैक्सो हो गया पी एफ हो गया या पायरवेट काइनेज हो गया तो ये इनहिबिट किए जाते हैं किसके द्वारा लॉजिकली आप समझ सकते हैं और एक्टिवेट किसके द्वारा किए जाएंगे वो भी आप देख सकते हैं ये फ्रक्टोज टू सिक्स बिस् फास्टेट के लेवल के बारे में भी हम लोग देख चुके हैं सबस्ट्रेट भी इसको कहता है आगे बढ़ने को तो वो सारी चीजें हमने देख रखा है एक स्टेप एक स्टेटमेंट देखते हैं पॉस्चर इफेक्ट क्या होता है नॉर्मल सेल में अगर ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ा दी जाए तो फिर एन एरोबिक ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस इनहिबिट हो जाती है क्योंकि ऑक्सीजन पर्याप्त है जैसे होता क्या है कि आप समझ सकते हैं ना कि ऑक्सीजन पर्याप्त है तो एन एरोबिक ग्लाइकोलिसिस रोका जाता है सारा प्रयास किया जाता है कि ये ग्लाइकोलिस क्रिप साइकिल के साथ मिल करके आगे चलती रहे तो इसका मतलब ऑक्सीजन अगर, अगर अवेलेबल है तो टी सी साइकिल चलाई जाएगी लेकिन वारबर्ग एक इफेक्ट होता है जो ट्यूमर सेल्स के भीतर चल रहा होता है आपने देखा होगा किसी को अगर कैंसर होता है तो मसल्स की वेस्टेज होती है ऐसा कैसे उसको वारबर्ग इफेक्ट की मदद से एक्सप्लेन किया जा सकता है एक्चुअल में ऑक्सीजन की सप्लाई होने के बावजूद भी कैंसर सेल एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस को कराते रहते हैं इसका मतलब क्या हुआ ग्लूकोज से लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है इसी वजह से जिनको ट्यूमर या कैंसर होते हैं वो बेचारे थके हारे नजर आते हैं लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और इस दौरान पूरी पूरी क्रेप साइकिल नहीं चलेगी ऑक्सीडेटिव फॉस्फ्राइलेशन नहीं होगा इसका मतलब केवल और केवल थोड़ी सी एनर्जी बनाई जाएगी ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से केवल टू एटीपी की एनर्जी बनेगी और इसमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है पूरा यूटिलाइजेशन नहीं होगा इसका मतलब ये हुआ कि अगर एनर्जी चाहिए तो केवल थोड़ा ही एनर्जी बन रहा है और ज्यादा ज्यादा सबस्ट्रेट यूज हो रहा है ज्यादा ज्यादा सबस्ट्रेट अगर यूज होगा तो फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस को चलाते रहना पड़ेगा इसका मतलब क्या होगा मसल्स की भी वेस्टेज होनी शुरू हो जाती है एक और अप्लाइड क्वेश्चन देख लेते हैं ईयर ओल्ड मेल प्रेजेंटेड विद शॉर्टनेस शॉर्टनेस ऑफ 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 सॉरी सिम्टम्स वीकनेस ब्रीथ एंड डिजीनेस उनका हीमोग्लोबिन गिरा हुआ है आरबीसी पेशेंट का जब देखा गया तो उसमें लो लेवल ऑफ लैक्टेट प्रोडक्शन ओके और हिंज बॉडीज भी पेरिफेरल ब्लड फिल्म में नहीं देखने को मिल रहा है तो hinge bodies नहीं है यानी मतलब डिफिशियंसी हो सकती है और इतना कम यानी की प्रोसेस तो हो रही है तभी इतना ग्लूकोज गिरा हुआ है इसी वजह से वीकनेस फटी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीद है इसका मतलब क्या हुआ उसमें पायुर्वेट एंजाइम का डिफेक्ट है यह हमने देखा था ना सेकंड मोस्ट कॉमन एंजाइमेटिक डिफेक्ट जो ह्यूमलिटिक एनीमिया कराता है मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हिमिटिक एनीमिया जिस स्पीडी जो एच एम पी पाथवे में इसका रोल होता है इसके अलावा बाकी दो ऑप्शन ऐसे दिए गए हैं फिर एक और इफेक्ट देखना है पॉस्टर इफेक्ट और क्रैबी क्रैबरी इफेक्ट तो एरोबिक कंडीशन में टीसीए ऑपरेट होता है इसलिए एरोबिक कंडीशन में एन एरो ग्लाइकोलिस को इनहिबिट कर दिया जाता है इसका मतलब यह हुआ कि ग्लूकोज का कंजम्पशन कम कर दिया जाएगा एन एरोबिक ग्लाइकोलिसिस को इनहिबिट कर दिया जाता है पॉस्चर इफेक्ट यही कहता है नॉर्मल तरीके में जब ऑक्सीजन पर्याप्त मिलता है तो फिर टी सी ऑपरेट होता है जबकि क्रैब्रे इफेक्ट ये कहता है कि ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ हो तो ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन कम कर दिया मतलब क्या कि अगर आप ऐसे सोच सकते हैं कि अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तो ग्लूकोज का कम यूटिलाइजेशन होगा ग्लूकोज को ज्यादा से ज्यादा साइकिल में लेकर के जाने की कोशिश होगी दूसरा सवाल ये कहता है क्रैब्रे इफेक्ट ये कहता है कि इसमें अगर ग्लूकोज ज्यादा है तो ऑक्सीजन का, का प्रोडक्शन दो यूटिलाईज नेट प्रॉफिट अगर कहा जाए तो दो का होता है इस तरीके से हमने समझा और पैरविक एसिड का सिंथेसिस यहां पर हो चुका है अगले लेवल पर जब हम डिस्कस करेंगे तो बात करेंगे लिंक रिएक्शंस की और ये रिएक्शन किस तरीके से आगे बढ़ता है उन सारे टॉपिक्स की